हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में दाना मेथी बहुत ही ज्यादा यूज में ली जाती है, क्योंकि ये जॉइंट पेन के लिए, पेट के लिए, बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं दाना मेथी की खट्टी मीठी सब्जी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, दाना मेथी की खट्टी मीठी सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है 1 कप दाना मेथी। लगभग 100 ग्राम के आसपास दाना मेथी है। इसको हम गुनगुने पानी में 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाना मेथी को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और जो हमारा बाउल है वो पूरा भर गया है और बहुत अच्छी तरह से जो दाना मेथी है वो भी भीग गई है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दाना मेथी को बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1.5 ग्लास पानी। पानी को गर्म होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, पानी गर्म हो चुका है और हम सबसे पहले इसमें अपनी भीगी हुई दाना मेथी डाल देंगे। पानी के साथ ही मैंने डाल दी है। अब हमें पानी के अंदर एक उबाल ले लेना है। हम ढक्कन लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाना मेथी बॉईल होने लग गई है। अब हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, ताकि जो हमारी दाना मेथी है ये टाइट ना रहे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी जो दाना मेथी है वो बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गई है, बहुत अच्छी तरह से पक गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। आइए फ्रेंड्स, दाना मेथी की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 कप किशमिश, 1/2 कप काजू और 2 पीस मैंने लिए हैं यहाँ पे गुड़ के। इसको हम बारीक तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, हम दाना मेथी की खट्टी मीठी सब्जी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो मसाले लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 चम्मच मैंने लिया है कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच मैंने लिया है अमचूर पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर और 2 पिंच मैंने लिया है गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नमक लिया है। फ्रेंड्स, सब्जी में बघार लगाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1 छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, 2 हरी इलायची ली हैं और 2 तेज पत्ते लिए हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम दाना मेथी को छान लेंगे। मैंने छलनी लगा दी है और अब हम दाना मेथी को छान लेंगे। मैंने दाना मेथी को छान लिया है और इसका पानी अलग कर दिया है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पानी हमने अलग कर लिया है। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। आप इस पानी से चाहें तो आटा लगा सकते हैं, या फिर आप इसको अगर बालों में मेहंदी लगाते हैं, हिना करते हैं आप, तो उस यूज में भी ले सकते हैं। आप इसमें मेहंदी को घोल के और लगाइए, बहुत ही फायदेमंद होता है। फ्रेंड, सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई और इसमें मैं लगभग 2 चम्मच के आसपास तेल डाल रही हूँ। गरम होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है। हम अपने खड़े मसाले डाल देंगे, साथ ही हम जीरा भी डाल देंगे। अब सबसे पहले डाल देंगे हम कसूरी मेथी। फ्रेंड्स, दाना मेथी डालने के बाद हम सबसे पहले दाना मेथी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो गए हैं, हमने दाना मेथी को फ्राई कर लिया है। आइए मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, हरा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सभी मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसालों को भी हमने 2-3 मिनट बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। अगर आप गुड़ पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ भी सब्जी के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और जो हमारी सब्जी थी बिल्कुल सूखी बनाई थी हमने, इसमें गुड़ का पानी भी हो गया है और लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अमचूर पाउडर लिया है वो ले लेंगे और ये भी हमने इसमें डाल दिया है। साथ ही हमने डाल दिया है इसमें गरम मसाला,
गरम मसाला हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है। जो हमने यहाँ पे आधा कप किशमिश ली थी वो भी हमने डाल दी है, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। काजू भी डाल दिए हैं और सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए सब्जी को इसी तरह से पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाना मेथी की खट्टी मीठी सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है और लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है। हम इसको 4-5 दिन रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती है और एक टाइम से दूसरे टाइम जब आप इसको खाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता है, बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने दाना मेथी की खट्टी मीठी लजीज सब्जी को सर्व भी कर दिया है और खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो फ्रेंड्स, बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।